धर्मशाला में आयोजित बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में भाजपा की लड़ाई सामने आई है, जिस पर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सत्ता वापसी के लिए कार्यसमिति की बैठक कर रही है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए बैठक में कोई रणनीति नहीं बनाई गई। राणा ने कहा कि 2022 भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, जिसको लेकर भाजपा सत्ता वापसी की रणनीति बना रही है। वहीं राणा ने कहा कि पंजाब नगर निकाय चुनावों में भाजपा को करारी हार मिली है, जिससे साफ पता चल रहा है कि हिमाचल में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने धर्मशाला में हुई बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में भाजपा की लड़ाई सामने आई है। राणा ने कहा कि बीजेपी के नेता कार्यसमिति की बैठक में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में 2022 के चुनावों में सत्ता वापसी के लिए रणनीति बनाई गई, लेकिन हिमाचल के विकास के लिए और रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यसमिति में कोई चर्चा नहीं की गई। राणा ने कहा कि 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, जिसको लेकर धर्मशाला में कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इसमें कार्यसमिति की बैठक में जिस तरीके से इनकी लड़ाई जो है वो सामने आई है, एक दूसरे को गाली गलौच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं, इस तरीके से जो ये सामने चीज़ें आई हैं। और दूसरा, ये जो कार्य समिति की बैठक में चर्चा सिर्फ इनकी चिंता एक ही जाहिर हुई है इस कार्य समिति की बैठक में कि भाई 2022 में हम लोग पावर में कैसे वापस आ सकते हैं। तो इनको चिंता जो है 2022 की पड़ी है, इनको मालूम है कि 2022 में इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। चिंता इस बात की नहीं कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को कैसे चलाना है, लोगों की तरक्की कैसे हो, डेवलपमेंट के काम कैसे हों, जो काम रुके पड़े हैं उनकी कोई चिंता नहीं हो रही है। चिंता इस बात की हो रही है कि हम दोबारा कैसे आएंगे। तो कार्य समिति में तो ये चर्चा हुई है इनकी कि 2022 के लिए प्लानिंग करो। इनको तो अपनी चुनाव की चिंता पड़ी है, प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि पंजाब नगर निकायों के चुनावों में देश की जनता को सीधा और स्पष्ट संदेश मिला है कि 109 नगर निकाय और 7 नगर निगमों के आए नतीजे बताते हैं कि पंजाब में बीजेपी का जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया है। सरकार के खिलाफ उपजे जबरदस्त आक्रोश के बीच बठिंडा नगर निगम में 35 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है, जो कि देश की जनता के आक्रोश के बीच सरकार के प्रति उबल रहे गुस्से का प्रतीक बनी है। कुल आए 350 नतीजों में से 271 सीटों पर पंजाब की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है, जबकि बठिंडा, कपूरथला, अबोहर क्षेत्रों में जनता ने बीजेपी को नकार और धिक्कार कर शून्य तक पहुंचा दिया है। राणा ने कहा कि पंजाब नगर निकाय की जीत से साफ हो गया है कि तानाशाह सरकारों की देश में कोई जरूरत नहीं है, ये जीत किसान आंदोलन की जीत है। उन्होंने कहा कि अब पंजाब के बाद हिमाचल की बारी है, जहां बीजेपी सरकार जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। राणा ने कहा कि पंजाब में हुई जीत महंगाई व बेरोजगारी से विजय पाने की जीत है। पंजाब के जो नगर निकाय के नतीजे आए हैं, उसमें पंजाब इस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी का, अकाली और दूसरे पार्टियों का सफाया हो गया। और जो पंजाब के नतीजे ये दर्शा रहे हैं कि एक तो ये जो नतीजे आए हैं, इसमें पूरी तरह लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वहाँ जनादेश दिया है, और इसका इम्पैक्ट जो हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला है। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र में जो तानाशाह सरकार चल रही है, और जिस तरीके से सरकार को चलाने वाले जो ये हुक्मरान हैं, ये जिस तरीके से तानाशाही का एक इन्होंने रवैया अपना के रखा है, किसानों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, आम आदमी के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, उत्तरी भारत में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और सीधा सीधा आने वाले चुनावों में जहां पूरे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है। लोगों की नाराजगी जो है वो साफ तौर दिख रही है। ये जो सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है, पूरी तरह निकम्मी सरकार साबित हुई है। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कर्मचारी तंग हैं, आम आदमी तंग है, और 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 सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महंगाई की ये बात करते थे, सड़कों को जाम कर देते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, 60 रुपये पेट्रोल होता था, आज पेट्रोल जो है 100 रुपये पहुँच गया।
और इतने हैवी टैक्स जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगा दिए, जिससे सभी जो खाद्य पदार्थ हैं और दूसरे चीज़ों के दाम हैं वो बढ़े हैं, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं। और इस सारे के सारा मामला जो है, आज देखिए पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो आज के दौर में नज़र आ रही है कि इनके पास बसों को चलाने के लिए डीजल तक के पैसे नहीं हैं। और आज स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, आज कॉलेज और स्कूल में जाने के लिए सरकारी बसें नहीं चल रही हैं। आम आदमी जो गरीब आदमी है, उसको कहीं हॉस्पिटल जाना है, कोई बाज़ार जाना, उसके लिए बसें नहीं मिल रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं इनसे। तो इस सरकार का पूरी तरह दिवालिया निकल गया है और ये सरकार पूरी तरह कंगाल हो गई है। डबल इंजन की बात करने वाली ये सरकार आज पूरी तरह फेल हो चुकी है।